लखनऊ में हिमालय इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बहुत सुना था, इसीलिए यहाँ मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आपका कॉलेज आपको इसी लेवल का कॉन्फिडेंस दे सकता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपने जूनियर से हमेशा कहती हूँ कि अगर हिमालयन साथ है तो हो जाएगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इज ऑफरिंग बीटेक इन ऑल स्ट्रीम्स, और जब हिमालयन साथ है तो हो जाएगा। नैनीताल जिले में लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई और कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण आम नागरिक फंस गए। कई अलग अलग जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ के हताहत होने की भी खबरें सामने आई हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, SDRF के बचाव कार्य में लगाया गया है। हालांकि रुकावटों के कारण कई स्थानों पर भौतिक पहुंच प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन नैनीताल ने फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए तुरंत सैन्य हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। गर्म पानी खैरना क्षेत्र के पास स्थिति बहुत गंभीर है। घाटी प्रभावित है। शिप्रा नदी के अत्यधिक प्रवाह में इमारतें संकट में हैं। परिस्थिति के गंभीर होने पर प्रशासन द्वारा भारतीय सेना की रानीखेत स्थित 14 डोगरा बटालियन को राहत के लिए निवेदन किया गया है। श्री धीरज सिंह गब्रियाल, साथ ही DM नैनीताल श्री प्रतीक जैन, संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा मदद के लिए निवेदन संदेश भी आ गया है। संदेश मिलने के 30 मिनट के अंतर्गत जवान डोगरा बटालियन की रेस्क्यू टुकड़ी रानीखेत से खैरना की ओर रवाना हो गई। कम समय होने के बावजूद सेना ने अपना बचाव कार्य शुरू कर दिया और साथ ही संबंधित उपकरण भी वहां पर ले आई है और फंसे हुए लोगों के लिए पैक्ड खाने को डालने साथ ले गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही डोगरा बटालियन की मेडिकल रिएक्शन टीम अपने प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनी है। रानीखेत से खैरना तक के मार्ग में भूस्खलन होने से सेना की रेस्क्यू टीम दोपहर 3 बजे खैरना पहुंची। प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचते ही भारतीय सेना के अधिकारियों ने मौजूदा प्रशासन के अधिकारियों से परिस्थिति का जायजा लिया। बिना किसी देरी के भारतीय सेना के जवानों ने राहत का कार्य सहज रूप से करना शुरू कर दिया। वर्तमान में डोगरा बटालियन की एक टुकड़ी अल्मोड़ा गर्म पानी मार्ग में, एक टुकड़ी खैरना में एक टुकड़ी और साथ ही जीधाम में राहत का कार्य शुरू कर चुकी है। खैरना में मार्ग बंद होने से 500 लोग सुबह से ही फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि सेना द्वारा इन्हें पहुंचते ही खाने का सामान दिया गया और साथ ही खैरना में स्थित स्कूल में सेना के जवान फंसे हुए हैं, लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। साथ ही में पीड़ित लोगों का चिकित्सा निरीक्षण भी जारी है। डोगरा बटालियन की मौजूदगी से राहत का कार्य तेज हो गया है और साथ ही आगे प्रगति पर है और इसके साथ ही फंसे हुए लोगों को मदद मिली है। हेमकांत पाल की रिपोर्ट, प्रतिपक्ष संवाद। लोहिनी हार्डवेयर एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ हार्डवेयर फिटिंग, बाथरूम फिटिंग, GI फिटिंग, CPVC फिटिंग, PVC फिटिंग आदि उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। संपर्क करें 9411830908।